सो फाइनली स्टूडेंट्स, जिन जिन स्टूडेंट्स ने रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, मैं बात कर रहा हूँ ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट ट्वेल्थ सीबीएसई के थे और जिनका रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा था, जिन स्टूडेंट की भी कंपार्टमेंट आई थी, या जो स्टूडेंट्स मोर देन टू सब्जेक्ट्स में बच्चे फेल थे, जिनके सब्जेक्ट के आगे आरटी लिखा हुआ था, और उन स्टूडेंट्स ने अगर रीवेरिफिकेशन के लिए बच्चे अप्लाई किया था, तो आप सब स्टूडेंट्स का बच्चे रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट आ चुका है। अभी जस्ट मैंने चेक किया, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स का रीवेरिफिकेशन का बच्चे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आप चाहें तो खुद का रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट जाके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे लास्ट में बताऊंगा, तो पूरी जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। मैं आनंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी पे, जहां ना सिर्फ मिलेंगे आपको कॉमर्स से रिलेटेड लेक्चर्स, उसके साथ साथ यहां पे आपको दी जाएगी और भी सीबीएसई से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके नाउ, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, सीबीएसई का जो रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना पहले ओपिनियन दे दूं। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि रीवेरिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के या तो नंबर बढ़ जाएंगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, काफ़ी उसके अंदर नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, काफ़ी डिसलाइक भी आए थे। बट बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए, रिकाउंटिंग या काउंटिंग के जो एरर्स वहाँ पे हैं, वो बहुत ही सीबीएसई के वहाँ पे चांसेस उसके कम होते हैं। तो जस्ट रिकाउंटिंग करा लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चे कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी मार्कशीट में पक्का कुछ मिस्टेक हुई होगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके नंबर इंक्रीज हुए, बट बच्चे वो बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट्स थे। 10-15% स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जिनके नंबर बच्चे चेंज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप चेक करेंगे आपका रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट, आप यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको गूगल पे जाके cbse.nic.in पे पहुंच जाना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन कर देनी है। जब आप वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको शो हो रहा होगा वहां पे कुछ रीसेंट अनाउंसमेंट शो हो रखी होगी, उसके अंदर से आपको देख लेना है। देखिए, शेड्यूल फॉर रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी, राइट। तो ये वाला जो ऑप्शन है, एरो शो हो रहा है आपको वहां पे, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको आपके सामने एक ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। इस पोर्टल में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। नीचे से बच्चे सेकेंड लास्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, ब्रैकेट में वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, क्योंकि अभी रिजल्ट जो है वो वेरिफिकेशन का ही अनाउंस हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी टैप ओपन हो जाएगी जिसमें आपको वो पूछेगा रिक्वायरमेंट, आपका रोल नंबर है उसके अंदर, और एप्लीकेशन नंबर, जब आपने अप्लाई किया था स्टूडेंट्स रीवेरिफिकेशन के लिए, तो जैसे ही आपने पेमेंट किया होगा, आपको एक टोकन नंबर, आपको एक एप्लीकेशन नंबर अलॉट हुआ होगा, आपको पहले तो वो एप्लीकेशन नंबर डालना है और उसके बाद में आपको उसके अंदर रोल नंबर आपका पुट कर देना है। जैसे ही आप रोल नंबर सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे और प्रोसीड करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको आपका रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट वहां पे शो हो जाएगा। और आप देखिएगा, अगर आपके स्टूडेंट्स नंबर इंक्रीज हुए होंगे तो आपको वहां पे आपके न्यू मार्क्स भी दिखाई देंगे और नीचे लिखा आ जाएगा बच्चे आपका अल्टीमेट रिजल्ट पास हुआ है, या आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो गई है, या फिर अगर मान लो ऐसे कोई स्टूडेंट्स थे जिनके दो सब्जेक्ट में आरटी था और एक में नंबर इंक्रीज हो गए, तो बच्चे वो नीचे रिजल्ट भी उसका अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी लिखा आ जाएगा कि वो स्टूडेंट कंपार्टमेंट की कैटेगरी में अब आ गया है या पास हो गया है, क्लियर। तो वो भी उसमें लिखा आएगा। जो मार्कशीट अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इसमें आपको दिख रहा है नीचे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यही लिखा हुआ आ रहा है बच्चे, देखिएगा। लास्ट में वेरिफिकेशन स्टेटस जो लिखा है उसमें लिखा है नो मिस्टेक फाउंड। जी हाँ, जो स्टूडेंट जिनके नंबर चेंज नहीं हुए हैं, जिनके नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स वहां पे लिखा हुआ आएगा वहां पे नो मिस्टेक फाउंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग अपना रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके और कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट आपका पढ़ के आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप स्टूडेंट्स, आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आनंद कॉमर्स अकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो नीचे कमेंट करें।